गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ किशन कुमार निर्वाण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल मास रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल रोटेटिंग मास इन द सेम प्लेन। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। कि आपके कोई भी एक मास, सिंगल मास है जो रोटेट हो रहा है, उसको बैलेंस करना है बाय टू मासेज, दो मास को अटैच कर करके जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो, उसको हम उसको बैलेंस करना है। सिंगल मास को बैलेंस करना है बाय यूजिंग टू मासेज इन डिफरेंट प्लेन्स। तो फॉर द बैलेंसिंग, तो आपके पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कुछ शाफ्ट है और ये आपके कोई भी एक मास है जो रोटेट हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो हम ये दो मास अलग अलग प्लेन के ऊपर पुट करते हैं, तो द डेड नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर बैलेंसिंग के लिए जो द नेट डायनेमिक फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो दिस रिक्वायर दैट द लाइन ऑफ एक्शन थ्री सेंट्रीफ्यूगल मस्ट फोर्सेज मस्ट बी द सेम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मस्ट बी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो सेंटर ऑफ मासेज है वो कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टैटिक बैलेंसिंग। सेकंड होता है नेट कपल ड्यू टू डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू जीरो। जो नेट कपल है आपके डायनेमिक फोर्स के कारण जो नेट कपल जनरेट हो रहा है वो भी जीरो होना चाहिए। या द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन मस्ट बी जीरो। किसी भी प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट पता किया जाए, फाइंड आउट किया जाए, तो उसका जो नेट कपल है वो जीरो होना चाहिए। तो द कंडीशन एफ नेट एंड सी नेट इक्वल टू जीरो गिव्स डायनेमिक बैलेंसिंग। तो डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए आपके एफ नेट और सी नेट दोनों ही जीरो होने चाहिए, और स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए आपके ओनली डायनेमिक फोर्स का जीरो होना आवश्यक है। ओके, पहला हम देखते हैं, इसमें भी दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, वेन द प्लेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग मास लाइज इन द बिटवीन द प्लेन ऑफ द टू बैलेंसिंग मासेज। हम दो बैलेंस या दो काउंटर मास का यूज कर रहे हैं और एक सिंगल मास जो है, तो जब सिंगल मास है आपका जो रोटेटिंग मास है वो दोनों ही मास जो काउंटर मास है उनके बीच में हो, तब क्या कंडीशंस होती है, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम देखते सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मास है, यह M1 है, काउंटर मास है जो R1 सेंटर ऑफ रोटेशन से R1 दूरी पर है, ये M2 मास है जो R2 दूरी पर है, ये Q पे लगा हुआ है, P पे लगा हुआ है, इसका प्लेन का नेम जो L है, इसमें प्लेन नेम M है, और एक A जो आपका रोटेशन ऑफ मास है, एक्चुअल मास जो अटैच्ड है आपके, ये काउंटर मास तो बाद में लगाए जाते हैं, सबसे पहले जो अनबैलेंसिंग जिस मास के कारण हो रही है वो है आपका अटैच्ड मास, वो है M जो R रेडियस के ऊपर है, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F से लग रहा है, और इसमें प्लेन जो है M है, प्लेन P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है, टोटल डिस्टेंस L है, और आपके A और L जो प्लेन है उसके बीच में L1 डिस्टेंस है और L2 डिस्टेंस है आपके A और M के बीच में। तो हम इस तरह से देखें तो कंसिडर ए डिस्ट्रीब्यूटिंग मास M लाइंग इन द प्लेन A टू बी बैलेंस्ड बाय टू रोटेटिंग मास M1 एंड M2 लाइंग इन द डिफरेंट प्लेन L एंड M। तो हम देखते हैं कि जो आपका प्लेन नंबर A है उस पर कोई भी एक मास रोटेट हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए दो मास हमने अटैच किए हैं जिसको काउंटर मास कहते हैं या बैलेंस्ड मास कहते हैं, एम वन एम टू जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन एल और एम पर है, और आर आर वन और आर टू भी रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द मास इन द प्लेन ए एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। एल वन जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ए एंड एल, हमने भी देखा है डायग्राम में, एल टू जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ए एंड एम, और एल जो है आपके एल और एम तो आपके प्लेन है उसके बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो द सेंट्रिपल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास एम इन द प्लेन ए, जो आपके प्लेन ए के अंदर जो मास है उस पर जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। सिमिलरली जो आपके प्लेन एल है, एल के अंदर आपके जो एम वन मास है, एम वन मास पर आपके जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वन, और प्लेन एम में जो आपके सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। तो फॉर बैलेंसिंग, हम बैलेंसिंग के लिए जानते हैं कि टोटल जो नेट फोर्स है, जो डायनेमिक सॉरी आपके जो स्टैटिक बैलेंसिंग है, एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो एफ सी इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। अब डायरेक्ट डायग्राम में देखिए कि ये दो डायग्राम एफ सी और एफ सी टू दोनों ही जो है आपके नीचे के है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और एफ सी जो है वर्टिकली अपवर्ड है, तो इसका टोटल जो एलजेब्रिक सम है वो जीरो होना चाहिए, दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि टोटल एलजेब्रिक सम अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो एक तरीके से इस तरह से हो गया एफ सी माइनस एफ सी वन
माइनस एफ सी टू इक्वल टू जीरो, तो एफ सी इक्वल टू एफ सी वन प्लस एफ सी टू। ओके, तो इस तरीके से हमारे एफ सी इक्वल टू एफ सी वन प्लस एफ सी टू, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम वन ओमेगा स्क्वायर आर वन प्लस एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आके कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है एम आर इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। तो जब स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो है एम वन एम आर इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू। उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए जो है डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए सी नेट ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम पॉइंट एम के रेस्पेक्ट, सॉरी पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पी पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट है हमारे ये वाला। तो उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हम मोमेंट लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल डाइग्राम है वो इस तरीके से, ये यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ठीक है। तो ये दूरी तो है एल टू, ये दूरी है L1, टोटल दूरी है L1। तो इस बिंदु से पॉइंट P के रूप में जो P पे जो फोर्स है वो तो जीरो हो जाएगा, और आपके एफ सी वन इंटू एल यहाँ देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के पे से जो फोर्स जा रहा है वो तो जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। उसके बाद इस पॉइंट से जा रहा है एफ सी वन, तो एफ सी वन इंटू यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी है L, फिर वो आपका होगा माइनस, क्योंकि ये फोर्स जो है अबो साइड में है, तो दैट इज़ द एफ सी इन टू यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एल टू इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी एफ सी वन इंटू एल माइनस एफ सी टू इंटू एल टू इक्वल टू जीरो। तो एफ सी वन इंटू एल इक्वल टू एफ सी इंटू एल टू। ओके, तो एफ सी वन की वैल्यू है एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू, एफ सी की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एल टू, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एम वन आर वन एल इक्वल टू एम आर एल टू। तो एम वन आर वन होगा आपके एम आर एल टू बाई एल, क्वेश्चन नंबर फाइव। और मोमेंट अबाउट डी, जब पॉइंट डी क्यू के सॉरी मोमेंट अबाउट क्यू, पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में जब हम इस मोमेंट लेते हैं, तो एफ सी टू इंटू एल माइनस एफ सी डॉट एल वन इक्वल टू जीरो। तो एफ सी टू होगा एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू एफ सी है आपके एम आर ओमेगा स्क्वायर एल। और इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एम टू आर टू इक्वल टू एम आर एल वन बाई एल, इक्वेशन नंबर सिक्स। तो इक्वेशन नंबर फोर रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, क्योंकि एफ इक्वल टू जीरो ओनली स्टैटिक बैलेंसिंग, और फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स ऑल्सो मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कपल भी जीरो होना चाहिए। और इसके बाद आपके जो कंडीशन आती है वो आती है सेकेंड नंबर की, वेन द प्लेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग मास लाइज ऑन द वन एंड ऑफ द प्लेन ऑफ द बैलेंसिंग मास, वेन द प्लेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग मास, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग मास है वो किसी एक एंड के ऊपर लाइज करता हो, यानी कि आपके पास जैसे कि यह कोई शाफ्ट है, तो उसके एक एंड के ऊपर आपके एम मास अटैच्ड है किसी शाफ्ट के ऊपर रोटेशन में। तो हम किस तरीके से दो मास अटैच करते हैं इसके ऊपर, उसके वो हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं फॉर बैलेंसिंग के लिए एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो एफ सी प्लस एफ सी टू इक्वल टू एफ सी वन, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर टू इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर वन। यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा एम वन, यहाँ पर है एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन बनेगी एम आर प्लस एम आर एम टू आर टू इक्वल टू एम वन आर वन। ये आपके इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है, जो आपका जो एक मास है वो किसी एक एंड के ऊपर है, और उसके बाद में जो बाकी जो एंड है जो है उस पर एक मास एम वन और एक मास एम टू अटैच किया हुआ है। तो आपके एल और एम के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो एल और एम, ये एल और एम के बीच में डिस्टेंस जो है टोटल एल है, और आपके एम और ए के बीच में एल टू डिस्टेंस है, इस तरीके से ये एल डिस्टेंस है। तो मोमेंट अबाउट पी, पी के रेस्पेक्ट में अगर जब मोमेंट लेते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये देख दो फोर्स यहाँ पर एफ सी और एफ सी टू, तो एफ सी प्लस एफ सी टू इक्वल टू एफ सी वन, क्योंकि ये अपवर्ड मास है और ये डाउनवर्ड मास। ओके, तो उस तरीके से हमको सोल्व करेंगे और मोमेंट अबाउट पी लेंगे, तो एफ सी वन इंटू एल, तो पी के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट ले रहे हैं तो ये सबसे पहले तो एफ सी इंटू एल टू और एफ सी वन इंटू एल,
ठीक है, तो इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एल टू, तो एम वन आर वन इक्वल टू एम आर एल टू बाई एल, ये जो आपके प्रीवियस इक्वेशन है उसी की तरह सेम इक्वेशन प्राप्त होती है। मोमेंट अबाउट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में अगर जब प्लेन जो एल है उसके रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट लेते हैं तो आपने आंसर मिलता है एफ सी इंटू एल वन प्लस इक्वल टू एफ सी टू डॉट एल, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर एल वन इक्वल टू एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट होने पर एम टू आर टू इक्वल टू एम आर एल वन अपॉन एल, तो इक्वेशन वन गिव्स द स्टैटिक बैलेंसिंग और इक्वेशन वन टू थ्री गिव्स द डायनेमिक बैलेंसिंग। तो अगर हम स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए ओनली फोर्स जीरो होगा और डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए फोर्स एंड कपल बहुत आर जीरो होगा, तो इस तरीके से हम जो कोई सिंगल मास जो रोटेटिंग मास है उसको दो मास अटैच करके गए, दो काउंटर मास का यूज़ करते हुए किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो आज के पिछले लेक्चर में देखा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।